चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेट थ्री एजुकेशन में। देखिए हम लोग आज जो चैप्टर आपका करने वाले हैं वो है आपका एज या फिर आयु। ठीक है, इस एज वाले चैप्टर में आप लोग देखेंगे कि आयु से संबंधित प्रश्न आप लोगों के बनते हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक से है ना, पूरे कोर्स के तहत ये पूरा चैप्टर हम लोग यहाँ पर करेंगे। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, उनको इतनी टाइप में दोस्तों बांटा गया है। मतलब ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन को कितने टाइप में बांटा गया है, तो सबसे पहले बात करें तो उम्र के योग पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो उम्र का योग होता है कि पिता और पुत्र की आयु का योगफल इतना है ना, उस पर आधारित प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो उम्र के अंतर पर आधारित प्रश्न बनते हैं। उसके बाद अनुपात पर आधारित प्रश्न बनते हैं, यानी कि पिता पुत्र की आयु में 4:3 का अनुपात है, 10 साल बाद इतना अनुपात हो जाएगा, उस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं अनुपात पर। फिर गुणा पर आधारित प्रश्न बनते हैं, गुणा पर आधारित यानी कि पिता की उम्र पुत्र से मान लो 5 गुना है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। फिर लास्ट में आप लोगों का आता है विविध प्रश्न। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला टाइप, यानी कि योग, उम्र के योग पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करने की कोशिश आप लोग करिएगा, क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि 4 भाइयों की उम्र का योग 56 वर्ष है, 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, यानी कि उनकी उम्र में अंतर कितना है, मतलब हर एक भाई की उम्र में 4-4 वर्ष का अंतर है, तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों। चलिए, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं कि भैया ऑप्शन में आप लोगों ने एक उम्र को ले लिया, फिर उसके 4-4 अंतर में सबको कर करके देख लिया कि सबका योग 56 आ रहा है क्या, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर इसके लिए बहुत ही बेसिक मेथड है कि उनमें अगर 4-4 वर्ष का अंतर है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे छोटे भाई की आयु कितनी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, कितनी मान सकते हैं, एक्स। तो उससे अगले वाले भाई की जो उम्र होगी वो 4 साल ज्यादा, यानी कि x+4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, मान लो इसकी 10 है तो इसकी 10+4 14 हो जाएगी, अगर इसकी 8 है तो 8+4 इसकी 12 हो जाएगी, इस प्रकार से। फिर अगले वाले की 4 साल और बड़ी, यानी कि x+8, फिर उससे और बड़ा जो होगा वो x+12 का उम्र का होगा। और चारों भाइयों की उम्र का योग कितना है दोस्तों, 56 है, 56 है, क्लियर है। तो आप इसमें यहां पर सभी को अगर जोड़े x x x और x को, तो 4x बन रहा है, प्लस 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 12 24, तो यहां पर इन सबका टोटल 24 आ रहा है, बराबर में आपका 56। अब ये जो प्लस का 24 है दोस्तों, ये जो प्लस का 24 है ये उधर जाकर के माइनस का 24 हो जाएगा, तो ये प्लस का 24 उधर आकर के माइनस का 24। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 32 बच रहा है 4x के बराबर, 4x के बराबर 32, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, 8, 32, तो x बराबर 8 आ रहा है। तो x जो है सबसे बड़े भाई की उम्र थोड़ी है, x की वैल्यू में 12 जोड़ेंगे तो बड़े भाई की उम्र आएगी, तो 8 में आप लोग 12 जोड़ दीजिए, तो यहां पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है यहां तक, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप सभी दोस्त नजर डालिएगा, लिखा है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु मिलाकर 46 वर्ष होती है, कितनी होती है, 46। 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 साल पहले, पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की 11 गुना थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, आप लोग सॉल्व करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बनेगा। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, वैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार पढ़ाया है ना, कि यहाँ पर आप लोगों ने YouTube पे क्लास देखी होगी है ना, कि यहाँ पर एज वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप नजर डालिएगा, इस तरीके से आपको लिख लेना है, क्या लिख लेना है, पिता और पुत्र, कुछ इस तरीके से लिख लेना है, उनकी आयु मिलाकर 46 वर्ष है। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 11 गुना थी, 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो -5 लिख करके पिता की आयु पुत्र से 11 गुना, तो पुत्र की अगर 1x है, पिताजी की कितनी हो जाएगी, 11x हो जाएगी। और बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, उनकी वर्तमान आयु देखो यहां पर क्या लिख रखा है, वर्तमान आयु उनकी 46 है, मतलब अगर वर्तमान में उनकी आयु अगर मैं देखूं तो वो कितनी है दोस्तों, 46 है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप लोग याद रखिएगा, ये चीज हमेशा आपको याद रखना है कि उम्र को
किसको किसके पास ले जाना है, रेशो के पास ले जाना है, उम्र का टोटल जो है वो रेशो के पास ले जाना है, मतलब 46 को आप ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने का मतलब क्या हो रहा है पता है, यहाँ पर अभी वर्तमान में उनकी उम्र का योग 46 है, अगर आप ऊपर ले जाएंगे मतलब -5 करेंगे, 5 साल पहले उम्र को ले जाएंगे, तो 5 साल पिताजी की माइनस होगी, 5 साल पुत्र की माइनस होगी, तो 46 में से 10 माइनस होगा दोस्तों, तो कितना बनेगा, 36 बन जाएगा बस। तो ये 11x और x 1x के बराबर आ रहा है 36, तो 12 के बराबर है 36, तो 12 + 36 यानी कि x की जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। तो यहां पर 3 एकम 3 यानी कि पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष, कब, 5 साल पहले। वर्तमान में अगर हम देखें तो 5 साल जोड़ करके वर्तमान में इसकी उम्र हो जाएगी 8, कितनी हो जाएगी 8, लेकिन उसने वर्तमान नहीं पूछी, उसने और 5 साल बाद पूछी है, तो 5 और जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 वर्ष हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, 13 वर्ष बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को करना है, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये एज वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा, क्लियर है। यहां पर हमको याद रखने वाली चीज क्या है कि उम्र का योग हमेशा किसके पास ले जाना है, रेशो के पास ले जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आप नजर डालिए, आप लोगों से बनेगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा। एक पिता और उनके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु क्रमशः है वर्तमान में कितनी है, ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। 44 वर्ष और 12 वर्ष, 64 वर्ष, 16 वर्ष, 48 वर्ष और 16 वर्ष, 52 वर्ष और 4 वर्ष, सॉल्व करिएगा क्या आंसर आपका बन जाएगा। तो चलिए देखिएगा, बहुत इजी है, पिता और पुत्र, उसने क्या दे रखा है, आयु का योग 56 है, अब उसने ये नहीं बोला वर्तमान, तो हे का मतलब ये वर्तमान में ही है, क्या है, वर्तमान में ही इनका योग 56 है, ठीक है। आप यहां पर इस तरीके से करेंगे तो देखो 56 लिख दीजिए, फिर वो बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद उनकी पिता की जो आयु है पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की अगर 1x है पिताजी की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। मैंने आपको क्या बोला था कि उम्र का योग किसके पास ले जाना है, रेशो के पास ले जाना है, उम्र का योग हमेशा किसके पास ले जाना है, रेशो के पास ले जाना है, क्लियर है। तो आप यहां पर ये 3x और ये 4x के बराबर 56 को लाएंगे, तो 56 को लाने के लिए, नीचे लाने के लिए मुझे 4 साल जोड़ना पड़ेगा, मतलब समझो आप उम्र को आगे ले जा रहे हो, वर्तमान से 4 साल बाहर ले जा रहे हो, तो 4 साल जोड़ेंगे, अगर एक व्यक्ति होता तो 4 साल जोड़ते, लेकिन यहां पर कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो 4 और 4 8 साल हम लोग जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 8 साल, तो 56 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 बराबर किसके होगा, 3 और 1 4 के, तो यहां पर 1 अनुपात बराबर आ जाएगा 16, तो यहां पर होगा 16 * 3 = 48, तो 48, और यहां पर 16 * 16, तो बहुत सारे दोस्त तुरंत लगा देते हैं कि 48 वर्ष और 16 वर्ष, जल्दबाजी नहीं करना है, यहां पर उसने बोला है कि उनकी आयु क्रमशः है, अभी कितनी है, ये तो 4 साल बाद की है, अभी वर्तमान में लाने के लिए 4 4 घटाओ, तो इसकी उम्र हो जाएगी वर्तमान में 44, इसकी 4 घटाएंगे तो हो जाएगी कितनी, 12, तो 44 और 12 इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आप सभी दोस्त नजर डालिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा इसे और करने की कोशिश करिएगा। एक पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, यदि 6 साल पहले, तो मैंने आपको वैसे बता रखा है इसको लिखना कैसे है, किस तरीके से करना है, आप लोग खुद कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप लिखेंगे पिता, यहां आप लिखेंगे पुत्र, उसने कहा वर्तमान आयु का योग 60 है, तो आप वर्तमान करके लिख लीजिए, वर्तमान में इनके आयु का योग कितना है, 60 है। अब वो बोला 6 वर्ष पूर्व, यानी कि 6 साल पहले, तो -6 करिएगा, 6 साल पूर्व पिता की आयु पुत्र की 5 गुना थी, पुत्र की 5 गुना यानी पुत्र की अगर 1x है तो पिताजी की कितनी हो जाएगी, 5 गुना यानी कि 5x हो जाएगी। मैंने आपको बोला था कि उम्र का योग हमेशा किसके पास ले जाना है, रेशो के पास। अब 60 को हम ऊपर ले जाएंगे माइनस में, माइनस में ले जाने का मतलब होता है पहले ले जाने का मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो कितने साल पहले ले जा रहे हो, 6 साल पहले, तो 6 साल पिताजी की घटेगी, 6 साल पुत्र की, यानी कि 12 साल आप माइनस करेंगे, 60 में से 12 आपने माइनस किया, कितना बचा, 48 बचा, 48 किसके बराबर है, 5x और 1x के बराबर, 6 के बराबर है,
तो 6 से करेंगे 6 8 48, यानी कि 1:1 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहां पर 8 × 5 = 40, यानी कि पिताजी की उम्र 40 है, 8 × 8 यानी कि पुत्र की उम्र 8 है। तो बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी, पुत्र के वर्तमान तो लाओ पहले, वर्तमान लाएंगे तो 14 वर्ष हो जाएगी। तो बहुत सारे दोस्त यहां पर 14 वर्ष लगा देंगे, नहीं नहीं ये तो वर्तमान की उम्र है, 6 वर्ष बाद का मतलब समझ रहे हो, वर्तमान से 6 साल बाद, तो यहां पर 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 वर्ष इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा मेरे दोस्तों। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो बन जाएगा 20 वर्ष, कितना बनेगा 20 ईयर। क्लियर है यहां तक, बहुत आसान है, सिंपल है, आप कर सकते हैं। बस आपको क्या चीज याद रखना है कि उम्र का योग कहां ले जाते हैं, रेशो के पास। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आप लोग नजर डालिएगा। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है, सुरेश की उम्र जो है वो किरण की उम्र से दुगनी है, मतलब किरण की अगर 1x है तो सुरेश की कितनी है 2x है। यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है, दोनों की उम्र का टोटल 24 वर्ष है, तो सुरेश की उम्र बताइए। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं बना आज तक, ठीक है। दोनों की उम्र का योग टोटल 24 है, तो 2 और 1 यहां पर भी योगफल कर दो, मतलब 3x के बराबर 24 है, तो 3 = 24 के, 1:1 कितना आ रहा है 8, 8 × 2 = 16, सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी 16 वर्ष हो जाएगी। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी दोस्त देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, पिता की जो उम्र है वो पुत्र की कितनी है 7 गुना है। यदि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, ये आपको बताना है। अब आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है ना, आप चाहे तो वीडियो को रोक करके भी कर सकते हैं, है ना, आपका आंसर बनना चाहिए, ठीक है। देखो बड़ा इजी है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी, अगर पुत्र की 1x है तो पिताजी कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी। यदि 4 वर्ष बाद यानी कि +4 में उनकी उम्र का योग 56 है, मैंने आपको क्या बोला था कि जो उम्र का योग है उसको कहाँ ले जाना है, रेशो के पास ले जाना है। किसके पास ले जाना है दोस्तों, रेशो के पास ले जाना है। अब ये 56 रेशो के पास जाएगा, मतलब आप अभी 4 साल बाद हो, 4 साल पहले आप जा रहे हो, ऊपर आप ले जा रहे हो उम्र को, तो माइनस करना पड़ती है। माइनस कितना करना पड़ती है, 4 साल पहले ले जा रहे हो तो पिताजी की 4 साल, पुत्र की भी 4 साल, 4 और 4 = 8 आप माइनस करोगे। तो जैसे ही 8 माइनस करोगे, 16 में से 8 गया 8, 48 आएगा, किसके बराबर 7 और 1 = 48, तो 7 और 1 = 8 = 48, तो 1:1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान अगर आपको निकालनी है तो 6 × 6 है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपका 6 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि ये जो अनुपात था ये वर्तमान का ही था, है ना, पिता की उम्र पुत्र की 7 गुनी है, तो ये अनुपात एक यहाँ पर 6 वर्ष इसका बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि ये जो अनुपात था ये आपके वर्तमान का ही था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप सभी दोस्त देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पे नजर डालिएगा। एक पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 था, 2:1 था, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु के बीच, पिता और पुत्र की आयु के बीच क्या अनुपात होगा, ये आप सभी दोस्त सोल्व करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए देखना, लिखते हैं हम इसको, पिता और पुत्र उनके वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है, ठीक है। वर्तमान लिख करके आप उसके सामने 100 वर्ष लिख दीजिए। अब रेशो कब का दिया है, 5 वर्ष पूर्व, मतलब माइनस में, -5 में रेशो दे रखा है कि पिताजी की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 है, तो इसका 2 है और इसका 1 है बस। तो 10 वर्ष बाद पिता पुत्र के बीच क्या अनुपात, 10 साल बाद उनकी उम्र के बीच क्या अनुपात होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको जो बताया है आप लोग याद रखिएगा कि उम्र का योग हमेशा रेशो के पास ले जाएंगे, तो 100 को आप ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जाने का मतलब कितने साल पहले ले जा रहे हैं, कितने साल पहले ले जा रहे हैं, तो 5 साल पहले आप लोग ले जा रहे हैं, 5 साल इनकी माइनस होगी, 5 साल इनकी, तो 10 साल आप माइनस करेंगे, तो 100 में से 10 आपने माइनस किया, तो यहाँ पर उम्र है 90, तो 2 और 1 = 90, तो यहाँ पर आपकी 3 = 90 आ जाएगा, 2 और 1 + 3, 3 से करेंगे 1:30 आएगा, तो 30 × 30 यानी कि पुत्र की उम्र 30 है, 30 × 60 यानी पिताजी की 60 है, लेकिन ये कब की है, 5 साल पहले, वर्तमान में लाओ पहले, वर्तमान में लाएंगे तो पिताजी की हो जाएगी 65
और पुत्र की हो जाएगी 35, ठीक है, 65 और 35। अब कब का अनुपात पूछा, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद चलते हैं तो 10 10 साल दोनों में जोड़ना पड़ेंगे, तो 65 और 10 75, 35 और 10 45, और 75 45 में अनुपात बताना है आपको। तो यहां 15 5 75, 15 3 45, तो 5:3 इसका बिल्कुल सही है ना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बनेगा वो बन जाएगा 5:3, 5:3। क्लियर है क्या दोस्तों? तो बहुत ही इजी है, आप लोग बड़ी ही आसानी से, बड़े ही सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी दोस्त देखिएगा क्या लिखा हुआ है। यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु के बीच 5:6 का अनुपात था, वर्तमान में दोनों की आयु का योगफल 52 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। 4 साल पहले पी और क्यू में 5:6 का अनुपात था, ठीक है, वर्तमान में दोनों की आयु 52 वर्ष है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, चेक करते हैं। बड़ा आसान है, यहां पर पी और यहां पर क्यू, 4 वर्ष पहले तो -4 में इनकी आयु के बीच 5:6 अनुपात था, तो इसकी उम्र है 5x, इसकी है 6x, वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 है, वर्तमान में आप लोग क्या लिखिएगा, इनकी उम्र का योग कितना है, 52 है, 52 है। तो आप लोग क्या करिएगा कि मैंने आपको बताया है कि उम्र का योग कहाँ ले जाते हैं, रेशो के पास, कैसे ले जाते हैं, देखो 4 साल पहले है तो पी और क्यू दो लोग हैं, तो 4 इसकी और 4 इसकी, 8 माइनस आप करेंगे, तो 52 में से 8 आपने माइनस किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 44 आ रहा है इस रेशो के बराबर, और इन दोनों का टोटल 44 है, तो ये 5 और 6 11 के बराबर, 1 रेशो के बराबर कितना आ जाएगा, 4, तो 4 6 24, यानी कि क्यू की उम्र है 24 वर्ष, 4 5 20, यानी कि पी की उम्र है 20। लेकिन आपको कब का बताना है, वर्तमान आयु का, तो वर्तमान लाने के लिए 4 4 वापिस इसमें जोड़ देंगे, तो इसकी हो जाएगी उम्र 24 और इसकी हो जाएगी 28। अब इनमें अनुपात चाहिए 24 28 में, तो आप अनुपात बनाने के लिए एक संख्या से इन दोनों को काट सकते हो, 4 6 24, 4 7 28, तो 6:7 आप सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है, बिल्कुल सही जवाब। तो 6:7 इसका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, आप बड़ी ही आसानी से सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा यहां पर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, एक पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी ये आप लोग बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे तो देखना, बड़ा ही इजी है। आप लोग लिखिएगा कुछ इस तरीके से, पिता और यहां पर लिखिएगा पुत्र, उसने कहा उनकी वर्तमान आयु का योग 90 है ना, वर्तमान लिख करके आप लिख दीजिएगा इसके सामने 90। अब वो बोल रहे हैं 10 साल पहले, मतलब रेशो कब का दिया है आपको, 10 वर्ष पूर्व, तो आप -10 लिखिएगा, और उनकी आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु के बीच 5:2 का अनुपात था, तो आप 5:2 लिखिएगा, मतलब पिता की आयु है 5x, पुत्र की आयु है 2x। क्लियर है? अब आप लोग यहां पर क्या करिएगा, अब मैंने आपको बताया है कि उम्र का योग हमेशा रेशो के पास ले जाते हैं। आप रेशो 10 साल पहले हैं तो 10 साल पहले हम उम्र को ले जाएंगे, तो 10 साल इसकी माइनस करेंगे, 10 इसकी माइनस करेंगे, तो 90 में से 10 और 10 20 माइनस करेंगे तो कितनी रह जाएगी उम्र, 70 रह जाएगी। 70 बराबर है 5 और 2 7 के, तो 1:10, यानी कि पिताजी की उम्र हो जाएगी 50 और 10 का गुणा 2 में करेंगे पुत्र की उम्र हो जाएगी 20। अब वो बोल रहा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान लाने के लिए 10 जोड़ दो, वर्तमान में पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत ही आसान है, सिंपल है, आप इसको बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी दोस्त देखिएगा। हर बार अभी तक आप लोगों के दो दो लोग आ रहे हैं, यहां पर अब 3 लोग हैं, अब आप किस तरीके से करेंगे ये आप देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है कि ए बी और सी की वर्तमान आयु का योगफल 90 वर्ष है, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, 1:2:3 था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है ये आप सभी दोस्त सोल्व करिएगा। चलिए देखना, बड़ा ही आसान है, ए बी और सी, तो ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 है, मतलब आप वर्तमान के सामने लिख दीजिएगा 90, वर्तमान के सामने क्या लिख देना है, 90 लिख देना है। 6 वर्ष पूर्व मतलब -6, -6 में
उनकी आयु का अनुपात 1 2 3 है, मतलब इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, आपको करना वही है। मैंने आपको बोला था कि उम्र का योग कहाँ ले जाना है, रेशियो के पास। अब तक तो ये लाइन याद हो गई होगी, है ना, दिमाग में भेजेम बार बार जारी होगी कि उम्र का योग कहाँ ले जाना है, रेशियो के पास ले जाना है, ये बात याद रखना है। अब 90 को रेशियो के पास ले जाने के लिए मुझे कितने साल पहले जाना पड़ेगा, तो अगर 90 को ऊपर ले जाऊंगा तो 6 साल पहले जाना है। अगर एक ही आदमी की उम्र होती तो 6 माइनस कर लेते, जैसे अगर आपकी खुद की उम्र होती, मान लो आपकी उम्र कुछ भी है 25 साल है 20 साल है, तो 20 साल की उम्र को 6 साल पहले ले जाते, आप 20 में से 6 माइनस करके बता देते कि आज से 6 साल पहले मेरी उम्र 14 थी, है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 3 व्यक्ति है और ये टोटल है, 90 क्या है, टोटल है 3 व्यक्तियों का, तो 6 साल इसकी, 6 साल इसकी और 6 साल इसकी, तो 6 * 3 = 18 आपको माइनस करना है। तो 18 जैसे ही माइनस करोगे 72 आएगा, मतलब इस रेशियो के बराबर कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। 72 इन सबका टोटल है, तो 1 2 और 3 को जोड़ेंगे, 3 * 2 = 5 और 1 = 6 के बराबर है 72। एक रेशो बराबर कितना आएगा, 12 आएगा, 6 से काट लेंगे इसको, तो 12 आया है। अब 12 में देखना सी की वर्तमान आयु, तो बात किया 36, तो यहाँ 12 में 3 का गुणा करेंगे 36, बहुत सारे उतावले डायरेक्ट 36 लगाते हैं, रुको जरा सबर करो, 36 जो है कब का है, 6 साल पहले का, उसने कब की पूछा, वर्तमान, तो 36 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, 42 वर्ष आएगा। इसलिए थोड़ा सा अपना आंसर आए, जब आंसर आ जाए एग्जाम में, जब आप क्वेश्चन को करेंगे तब अगर आपका आंसर आ जाता है तो उसको पहले आराम से देख लेना है, क्योंकि जब आंसर आ जाता है तो ये खतरे की घंटी है, आंसर नहीं आता है तब तो हम उसको आराम से करते ही हैं, क्योंकि नहीं आ रहा है तो उसको व्यवस्थित दिमाग लगा के ही करते हैं, लेकिन सरल सवाल जो है, सिंपल क्वेश्चन जो है, वो जल्दबाजी में हमसे गलती करवा लेते हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन में सतर्क रहने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, आप सभी दोस्त देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा है दोस्तों कि एक पिता और उनकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये आप लोग बताइएगा क्या आंसर बन जाएगा। देखो औसत में आप लोगों को ध्यान रखना है कि औसत से अगर आपको कुल आयु पर जाना है, तो जैसे 34 औसत है कितने लोगों का, 2 लोगों का, तो टोटल निकालना है तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। औसत से कुल पे जाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल पे जाना है तो गुणा कर देना है जितने व्यक्ति है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे औसत बराबर आप लोगों को पता है कि सभी पदों का योग बटे कुल संख्या। अब यहाँ पर आप देखो पिता और पुत्री कुल संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है, योग नहीं पता उनकी उम्र का, लेकिन उनका औसत 34 दे रखा है, तो ये 34 में इसलिए 2 का गुणा यहाँ पर हम करते हैं, 34 * 68 यानी कि उनकी टोटल उम्र का योग कितना है, 68 है। तो यहाँ क्वेश्चन ये बन गया, पिता और पुत्री की उम्र का उनकी उनकी कुल आयु 68 वर्ष है, कुल आयु कितनी है, 68 वर्ष है, बस अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पर पिता और पुत्री की टोटल आयु 68 है, मतलब वर्तमान में आपने लिख दिया कि वर्तमान में इनकी उम्र कितनी है, 68 है, टोटल मिलाकर के 68 है। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5, 4 साल बाद, ठीक है, 4 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात 14:5 है, इनकी 14x और 5x, करना वही है। आपको मैंने बता दिया कि उम्र का योग हमेशा कहाँ ले जाना है, रेशो पर। अब रेशो नीचे है तो हमको जोड़ना पड़ेगा, 68 को आप नीचे ला रहे हैं मतलब बाद में ले जा रहे हैं, तो 68 की उम्र बढ़ेगी, बढ़ेगी कितनी, 4 साल पिताजी की बढ़ जाएगी, 4 साल पुत्री की बढ़ेगी, 4 और 4 = 8 बढ़ जाएगी, तो 68 में 8 जोड़ेंगे, 8 * 8 = 16, 6 * 1 = 1, 76 आ जाएगा, 76 बराबर है 14 और 5 के, तो 14 और 5 मिलकर के हो गया 19, तो एक रेशो बराबर कितना आ रहा है, 4 * 19 = 74, ठीक है, तो 4 से करोगे 4 * 5 = 20, पुत्री की चाहिए ना 4 * 5 = 20, तो डायरेक्ट आपका 20 आ जाएगा। 20 कब का है, 4 साल बाद का, वर्तमान पूछा है तो 20 में से आप माइनस करो, 20 में से आपने 4 माइनस किया 16, वर्तमान में उसकी उम्र कितनी है, 16, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, और अगर ऑप्शन होता तो 16 वर्ष इसका करेक्ट आंसर आ जाता, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं, यहां पर अगर आपका अगला टाइप यानी कि टाइप नंबर टू यहां पर इस तरीके से है कि उम्र के अंतर पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा सभी दोस्त, क्या लिखा हुआ है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, मतलब आदमी जो है उसके लड़के से 24 साल बड़ा है, 2 वर्षों में
उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। 2 साल बाद क्या होगा कि उसकी उम्र जो है लड़के से दुगनी हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है? चलिए, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। अब मैंने बोला है, एक आदमी है ना, और उसका आदमी और उसका बेटा है, ठीक है? आदमी की उम्र लड़के से उम्र से 24 अधिक है। ये 24 क्या है? ये उसकी उम्र का अंतर है। 24 क्या है? उम्र का अंतर है, ठीक है? तो इनकी उम्र में 24 का अंतर है, ठीक है? वो बोल रहा है कि वर्तमान में ठीक है उनके 24 वर्ष अधिक है, ठीक है, लेकिन 2 वर्षों में, 2 वर्षों में मतलब 2 साल बाद, 2 साल बाद उसकी उम्र यानी कि आदमी की उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। अगर लड़के की उम्र 1x रहेगी तो पिताजी की या उस आदमी की कितनी हो जाएगी उम्र? 2x हो जाएगी। अब वो बोल रहा है लड़के की उम्र के वर्तमान आयु कितनी है, तो आप 24 को कहीं ले जाना ले जाना नहीं है। 24 क्या है? उम्र का अंतर है। हम मैंने आपको क्या बताया था, उम्र का योग रेशो के पास ले जाते हैं, योग को रेशो के पास ले जाते हैं, अंतर को कभी नहीं ले जाते। अंतर वही रहता है हमेशा। कैसे? जैसे आपके घर में कोई आपका भाई होगा, बहन होगी, तो उसमें अंतर होगा, आपकी उम्र में कुछ अंतर होगा। जैसे आपका बड़ा भाई आपसे 3 साल बड़ा है मान लो, है ना, तो 3 साल बड़ा है, तो ये नहीं कि आप कहीं बाहर पढ़ने चले गए, मान लो इंदौर भोपाल, है ना, कहीं चले गए आप दिल्ली वगैरह, तो आप जब वहां पढ़ के लौटे तो आपका भाई आपसे छोटा रह गया, ऐसा तो नहीं होगा। अंतर वही रहेगा, आपके पिताजी और आपके बीच में जितने भी साल का अंतर है, 20 साल, 25 साल का अंतर है, तो वो 25 साल का अंतर हमेशा रहेगा। यूं नहीं कि आपकी नौकरी लग गई जो पिताजी थोड़े छोटे हो गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अंतर वही रहेगा। तो अब वो बोल रहा है कि उम्र से 24 साल अधिक है, मतलब इनके बीच में हमेशा 24 वर्ष का अंतर है। 24 वर्ष बराबर किसके होंगे? 1 रेशो के बराबर हो रहे हैं, अनुपात में 1 अनुपात के बराबर 24 वर्ष आ रहा है। तो आप डायरेक्ट पिताजी की उम्र निकाल सकते हैं 24 दूना 48, और लड़के की उम्र निकाल सकते हैं 24 एकम 24। लेकिन ये कब की है? 2 साल बाद की है। लड़के की वर्तमान चाहिए तो 24 में से आप 2 माइनस कर दो ऊपर ले जाने के लिए 22 वर्ष। तो लड़के की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष हो जाएगी। यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा 22 वर्ष। क्लियर है यहां तक? बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। बस आपको ये ध्यान रखना कि उम्र का अंतर कितने भी साल बाद वही रहता है, कितने भी साल बाद अंतर वही रहता है। 2 लोगों में जो उम्र का अंतर है वो हमेशा उतना ही रहेगा। आपके कोई दोस्त है ना, वो 2 साल बड़ा है ना, तो यूं नहीं है कि आपका अंतर बदल जाएगा, 2 साल बड़ा है, बड़ा ही रहेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हम लोग और क्वेश्चन करते हैं अभी, और अच्छे से ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लिखा हुआ है पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं, पिताजी जो है मम्मी से 5 साल बड़े हैं, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री की जितनी उम्र है उसकी 3 गुनी माताजी की आयु है। पुत्री अब 10 वर्ष की है ना, पापा की परी अब 10 साल की है। पुत्री के जन्म के समय पिताजी की आयु क्या है? चलिए बताइएगा सभी दोस्त, क्या आंसर बन रहा है आप लोगों का? कोशिश आप लोगों को जरूर करना है, ठीक है? आंसर बने नहीं बने वो बात की बात है, लेकिन आपको कोशिश जरूर कर लेना है, ठीक है? चलिए देखना कैसे करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है? ठीक है, चलिए। हाँ चेक करते हैं, देखो बड़ा आसान है, वह बहुत ही सिंपल है। पिताजी, माताजी, पुत्री जी। पुत्री मान लो जितने भी वर्ष की है, पुत्री अभी 10 वर्ष की उसने बोला है, वर्तमान में 10 साल की उसने बोला, माता की जो वर्तमान आयु है पुत्री से 3 गुना है। अब 10 का 3 गुना किसको नहीं आता, 30 होता है। पिताजी माता से 5 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं मतलब 35, तो पिताजी की आयु दायक 35 लगा मत देना, रुको जरा सबर करो। वो बोल रहा है पुत्री के जन्म के समय कितनी थी, ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि पुत्री अभी 10 साल की है, जन्म के समय मतलब 10 साल पहले पिताजी की आयु कितनी रही होगी, 10 साल पहले, तो 35 में से 10 माइनस किया मतलब पिताजी की उम्र जो है 25 वर्ष रही होगी जब ये बेटी जन्म नहीं हुआ था। तो क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा 25 वर्ष। क्लियर है क्या? बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी दोस्त देखिएगा, लिखा हुआ है 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। उनमें से एक दूसरे विद्यार्थी से 5 वर्ष बड़ा है, उनमें से एक जो है वो दूसरे से 5 साल बड़ा है, छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, ठीक है? तो देखो 2 विद्यार्थी हैं, इनकी उम्र में 3:2 का अनुपात, ये 3 ये 2,
और उनमें एक दूसरे से 5 साल बड़ा है। तो देखो 5 वर्ष अंतर है ना, 5 वर्ष अंतर है और अनुपात में 1 का अंतर है, ठीक है। तो 1 अनुपात बराबर 5 हो रहा है, तो 5 दूनी 10, यानी कि छोटा वाला 10 साल का, बड़ा वाला बास दिया 15 साल का। बस आपसे क्या पूछा छोटे विद्यार्थी के, तो 10 वर्ष, बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को कर लेना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी दोस्त देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। लिखा हुआ है सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु में 2-3 का अनुपात है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित और प्रकाश की 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, ये बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा, आंसर लाइएगा। क्या आंसर आप सभी दोस्तों का बन रहा है, चेक करिएगा, आंसर लाइएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है। देखो सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु में 2-3 का अनुपात है। देखो सुमित है ना और प्रकाश, 2-3 अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनमें देखो एक अनुपात में 1 वर्ष, एक का अंतर आ रहा है, अनुपात में 1 का अंतर है और उम्र में कितना अंतर है, वो बोल रहा है 6 वर्ष छोटा है, तो उम्र में 6 वर्ष का अंतर, अनुपात में 1, तो 1:6 है, तो 6 दूनी 12, यानी कि सुमित है 12 साल का। सुमित की उम्र अगर पूछे वर्तमान तो 12 साल, 6 18, यानी प्रकाश की उम्र अगर पूछे तो 18 साल। यह है वर्तमान का मामला। अब वो कह रहा है कि सुमित और प्रकाश के 6 साल बाद अनुपात क्या हो जाएगा। 6 साल बाद अगर देखें तो 12 और 6 सुमित की हो जाएगी 18 वर्ष, और 18 6 24 हो जाएगी, तो 18 साल और 24 साल में क्या अनुपात है, तो 6 18 6 24, 3 4 उनकी उम्र में अनुपात हो जाएगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का बन रहा है साथियों, वो बन रहा है 3:4, कितना बन रहा है, 3:4 बन रहा है, क्लियर है यहां पे। इस तरीके से आप लोगों को कर लेना, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं, है ना, एक मिनट, आप लोगों को बता दूं, जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, है ना, अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपको बता दूं कोर्स चलता है पूरा, है ना। आप लोग अगर डेली देखना चाहें, डेली क्लास भी चलती है 8 बजे। इसके अलावा अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो पटवारी के लिए पूरा कोर्स मिल जाएगा 299 में। आप Layer 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा, ऐप के अंदर आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है, अगर आप लोग MPSI की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग का आपको कोर्स मिल जाएगा 299 में। अभी ये वीकेंड ऑफर चल रहा है, ठीक है, तो ये आपका ऑफर है, ऑफर के तहत आपको ये 299 मिल जाएगा। अदरवाइज कोर्स आपका 1000 रुपीज का है, ठीक है। तो जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है, कोई दिक्कत आ रही है, ऐप डाउनलोड करिएगा, ऐप में मिल जाएगा कोर्स। अदरवाइज फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और ऐप में देख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये देखने की जरूरत ही नहीं, आप लोग ऐप में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगले क्वेश्चन, आज के आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।